दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज इस भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो निकली है पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में। जी हाँ दोस्तों, भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। पोस्ट है इसमें सहायक खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, टैक्स कलेक्टर कम रोड मोरर, कनिष्ठ सहायक की। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। टोटल 1004 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 17 सितंबर 2020 है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या पोस्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं पंचायत विभाग भर्ती की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, गाँव पंचायत सेक्रेटरी, टैक्स कलेक्टर कम रोड मोहरर, जूनियर असिस्टेंट की। 1004 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। पोस्ट वाइज हम आपको नोटिफिकेशन से दिखाएंगे। बात अगर सैलरी की जाए तो 14000 से 60500 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी डिग्री धारक कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकता है। 18 से 38 वर्ष आयु सीमा है। कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 17 सितंबर 2020 है। rural.assam.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके टेबल के एंड में आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF का लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ असम कमिश्नरेट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। 27 अगस्त को ये ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन आपसे मंगाए जा रहे हैं rural.assam.gov.in पोर्टल के माध्यम से। 28/8 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 28 अगस्त से। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 17/9 यानी कि 17 सितंबर 2020 है। फीस जमा नहीं करनी होगी। बात अगर पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जाए तो आप चेक कर सकते हो। असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पंचायत के लिए 39 वैकेंसीज है। 14000 से 60500 सैलरी ग्रेड पे 7600 है। पे बैंड 2 के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसके लिए देख सकते हो टोटल यहाँ पर 46 वैकेंसीज है। सैलरी सेम है और यहाँ पर ग्रेड पे भी 7600 है। इसी तरह असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सीनियर ग्राम सेवक के लिए 88 वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पर सेम प्रोवाइड की जाएगी। गांव पंचायत सेक्रेटरी के लिए यहाँ पर 578 वैकेंसीज है। सैलरी सेम है, ग्रेड पे 7400 है। टैक्स कलेक्टर कम रोड मोरर के लिए 243 वैकेंसीज है। 5200 यहाँ पर ग्रेड पे है। जी हाँ दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 10 वैकेंसीज है। इसके लिए 5600 यहाँ पर ग्रेड पे है। जैसे आप इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, साथ साथ यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की भी कंप्लीट जानकारी दी गई है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। SC ST PH EWS और साथ साथ फीमेल के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी जारी कर दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो नेशनलिटी की बात की जाए तो इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है और साथ साथ असम रेजिडेंट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। या दोस्तों, असम के निवासी कैंडिडेट इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। बात अगर आयु सीमा की जाए तो यहाँ पर 18 से 38 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2020 से की जाएगी, यानी कि बोर्न ऑफ बिटवीन 1/1/2002 से 1/1/1982 के बीच में जन्म होना चाहिए। ये दोनों दिन भी इसमें जोड़े जाएंगे। SC ST P और ST H के लिए 5 साल की इसमें छूट मिल रही है, यानी कि 18 से 43 वर्ष है। और 3 साल की छूट OBC या MOBC कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि इनके लिए 18 से 41 वर्ष आयु सीमा है। जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी दी गई है। अप्लाइंग करने के लिए प्रोसीजर दिया गया है कि किस साइज में आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और कितने के भी तक आप अपलोड कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों, जैसे आप इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो सिलेक्शन से रिलेटेड भी जानकारी दी गई है। पैटर्न और सिलेबस की भी कंप्लीट जानकारी आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ साथ दोस्तों, हमारे पोर्टल पर ही अप्लाई ऑनलाइन का भी
लिंक दिया गया। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑनलाइन का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको लॉगिन एग्जिटिंग यूजर की टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको लॉगिन करने के बाद में सिंपली ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको रजिस्टर न्यू यूजर की टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। कंप्लीटली फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हेल्प डेस्क भी यहाँ पर दी गई है। इस ईमेल एड्रेस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी है। तो दोस्तों इसे आप सिंपली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, इसे आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।